हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे उन बड़े सितारों की जो अपनी आखिरी फिल्म तक नहीं देख पाए। सबसे पहले बात करते ओम पुरी की। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई ट्यूबलाइट ओम पुरी की आखिरी फिल्म है। यह दिग्गज सितारा अपनी इस आखिरी फिल्म को नहीं देख सका। ओम पुरी का इसी साल 6 जनवरी को निधन हो गया था। दिव्या भारती, वैसे तो दिव्या भारती की मौत बालकनी से गिरने के कारण हुई थी, लेकिन वह बालकनी से कैसे गिरी इस पर आज भी रहस्य की परत चढ़ी हुई है। दिव्या भारती की मौत 5 अप्रैल 1993 को हुई और उनकी मौत के 9 महीने बाद रिलीज हुई उनकी आखिरी फिल्म शतरंज। राजेश खन्ना, राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को हुआ और उनकी आखिरी फिल्म रियासत 18 जुलाई 2014 में रिलीज हुई थी। दोस्तों, आपको याद ही होगा राजेश खन्ना अपने आखिरी समय में कैंसर से जूझते रहे। अमरीश पुरी, अमरीश पुरी की मौत 12 जनवरी 2005 को हुई थी। इनकी आखिरी फिल्म कच्ची सड़क थी। यह फिल्म 8 सितंबर 2006 को रिलीज हुई थी। फारूक शेख, फारूक शेख की फिल्म यंगिस्तान 28 मार्च 2014 में रिलीज हुई थी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि फारूक शेख 27 दिसंबर 2013 को दिल का दौरा पड़ने से चल बसे थे। इस प्रकार वह भी अपनी आखिरी फिल्म की रिलीज से पहले ही चले गए। तो दोस्तों, यह थी नामी सितारों की आखिरी फिल्म और उनके रिलीज होने से पहले ही हो गई उनकी मौत की बात। आप बने रहे वाई आर वाई टीम के साथ।